Ladies and gentlemen, please join us in extending this honor to our honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ अर्थ से सम्मानित किया गया है। स्थायी विकास और जलवायु बदलाव के क्षेत्र में अनुकरणीय नेतृत्व और सकारात्मक कदम उठाने के लिए पीएम मोदी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को भी इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पीएम मोदी को ये अवार्ड देने खुद दिल्ली आए। इस अवार्ड के लिए पीएम मोदी ने यूएन और भारतीय जनता के प्रति आभार जताया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि ये सम्मान सिर्फ उनका नहीं है, ये भारत के जंगलों में रहने वाले, अपने आसपास के परिवेश से प्यार करने वाले आदिवासियों का सम्मान है। ये भारत की महिलाओं का सम्मान है जो सदियों से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में रीयूज और रिसाइकिल की प्रक्रिया अपनाती है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव स्वयं यहाँ आए, एरिक और उनकी पूरी टीम आई, और जैसा कि मैंने पहले कहा है, ये सम्मान पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भारत की 125 करोड़ जनता की प्रतिबद्धता का परिणाम है। नई दिल्ली के प्रवासी भारतीय केंद्र में आयोजित अवार्ड समारोह में यूएन महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने कहा, हम एक ऐसे राजनेता को सम्मानित कर रहे हैं जो नेतृत्व की जीती जागती मिसाल है। वो एक ऐसे नेता हैं जो जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को गंभीरता से समझते हैं, उन्हें समस्याओं की जानकारी है और वे उनका समाधान करने की दिशा में काम करते हैं। हरित इकोनॉमी ही बेहतर इकोनॉमी है। बता दें, चैंपियंस ऑफ अर्थ पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र की महासभा की तरफ से दिया जाता है। ये पुरस्कार सरकार, सिविल सोसाइटी और निजी क्षेत्र में ऐसे असाधारण नेताओं को दिया जाता है जिनके कदमों से पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा हो।